हेलो फ्रेंड्स, आपको तो मालूम ही होगा निफ्टी 50 जो इंडेक्स है इसमें 52 कंपनीज है और हर कंपनी का वेटेज अलग अलग होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC, तो हर एक कंपनी का वेटेज अलग अलग होता है एक ही इंडेक्स में, ठीक है। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 12 कंपनियाँ हैं और हर कंपनी का वेटेज अलग अलग होता है। यहाँ पर हाईएस्ट वेटेज जो है वो HDFC बैंक का है 28%, देन ICICI बैंक, देन कोटक महिंद्रा, ऐसे करके अलग अलग कंपनी का अलग अलग वेटेज होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अगर ये सब कंपनी में से कोई भी कंपनी 1% अगर मूवमेंट करती है तो वो ये जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, इसमें कितना असर पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% मूव होता है तो फिर निफ्टी कितना मूव करेगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा ये कंपनी मतलब जो कंस्टिट्यूएंट्स है ये सबको देख के आपको कैसे इंडेक्स में ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं राजीव, अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो एनीवे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी 50। यहाँ पर 52 कंपनीज है तो निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट्स तो ये सारा है। यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेके एक्सिस बैंक तक। तो हाईएस्ट वेटेज रिलायंस का है 13.24 और एक्सिस बैंक का 2.43। और यहाँ पर सेक्टर वेटेज भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज का हाईएस्ट है, यहाँ पर 35% है और उसके बाद आईटी का है और लोएस्ट परसेंटेज जो है वो 0.5% है। तो ये यहाँ पर जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, तो इसमें बैंक्स भी आएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट वेटेज 35% है। तो इसीलिए अगर बैंक निफ्टी बुलिश या बेरिश रहता है तो उसके साथ साथ निफ्टी भी बुलिश या बेरिश हो जाती है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो बैंक निफ्टी निफ्टी को भी खींच के ऊपर ले जाएगा, और अगर बैंक निफ्टी फॉल हो रही है तो भी ये निफ्टी को नीचे खींच लाएगा। इसीलिए आप जब भी इंडेक्स देखते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस को देखना चाहिए। तो एनीवे, अभी हम लोग जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जैसे 13.24% है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर 1% मूव करता है, 1% मूव मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्राइस अभी कितना चल रहा है, लगभग 2000 है, ठीक है। तो 2000 का 1% होगा 20 रुपीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर 20 रुपीज़ से मूव करता है ऊपर या नीचे जाता है तो निफ्टी कितना मूव करेगा। तो एज पर दिस वेटेज अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% मूव करता है तो निफ्टी जो है वो 0.13% मूव करना चाहिए। सिमिलरली HDFC बैंक अगर 1% मूव करता है तो ये 0.1% मूव करेगा निफ्टी। तो चलिए एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। जैसे रिलायंस का 1% मूवमेंट मतलब 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ अगर रिलायंस मूव करता है, मान लो बुलिश होता है, तो निफ्टी जो है वो 0.13%। तो निफ्टी का 1% कितना होगा, अभी निफ्टी का प्राइस लगभग 13,000 के आसपास है और इसका 1% कितना होगा, 0.01, मतलब 130 रुपीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर 20 रुपीज़ बुलिश रहता है तो निफ्टी जो है ये 0.13% बुलिश रहेगा, मतलब 130 का 0.13 कितना होगा, 13, मतलब लगभग 17 पॉइंट्स। तो रिलायंस अगर 20 रुपीज़ से बुलिश रहता है तो निफ्टी जो है वो कितना चढ़ेगा, वो 17 पॉइंट से बुलिश रहेगा, ठीक है। तो ये है परसेंटेज का खेल। तो सिमिलरली मैं अभी बैंक निफ्टी का एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो हाईएस्ट वेटेज है HDFC बैंक का 28%,
तो बैंक निफ्टी अभी प्राइस चल रहा है लगभग 30,000 के आसपास, ठीक है। तो 30,000 का 1% कितना होगा, 300 पॉइंट्स, ठीक है। तो इंटू 0.01 मतलब 300, तो बैंक निफ्टी का 1% मतलब 300 पॉइंट्स। तो अगर HDFC बैंक 1% बुलिश रहता है या 1% बेरिश रहता है, तो बैंक निफ्टी 0.28% से बुलिश या बेरिश रहेगा, ठीक है। तो HDFC बैंक का अभी प्राइस है लगभग 1400। तो 1400 का 1% मतलब ये होता है 14 रुपीज़। तो HDFC बैंक अगर 14 रुपीज़ बेरिश रहता है, तो बैंक निफ्टी जो है वो 0.28% से बेरिश रहेगा, मतलब 300 पॉइंट्स का 0.28%, तो 84 पॉइंट्स। मतलब HDFC बैंक अगर 14 रुपीज़ बेरिश रहता है, तो बैंक निफ्टी जो है वो 84 पॉइंट से बेरिश रहेगा, ठीक है। तो यही है फंडा आपका इंडेक्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। यहाँ पर जो परसेंटेज देख रहे हो ना, जैसे ICICI बैंक अगर 1% मूव करता है, ये 0.19% से बैंक निफ्टी को मूव करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली IDFC बैंक अगर 1% मूव करता है, ये फिर 0.0085% बैंक निफ्टी को मूव करेगा। इसलिए इन लोग का वेटेज मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, इसीलिए आपको ये जो कंस्टिट्यूएंट्स है ना, इन लोग का भी प्राइस मूवमेंट देखना चाहिए। तो यहाँ पर आप सब स्टॉक का प्राइस मूवमेंट तो नहीं देख सकते, तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, जैसे निफ्टी में टॉप 3 या 4 कंपनीज का आप प्राइस मूवमेंट देख सकते हो, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस और HDFC। अगर ये सारा कंपनीज बुलिश रहता है, तो नो डाउट निफ्टी को भी बुलिश रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 3-4 कंपनी जो टॉप होल्डिंग्स रखता है इंडेक्स में, वो सब कंपनी का प्राइस मूवमेंट देखना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी ऐसा है, ये 3-4 कंपनी का आप प्राइस मूवमेंट तो देखो ही देखो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये हाईएस्ट वेटेज है ये दोनों। ये दोनों अगर बुलिश रहता है, तो बैंक निफ्टी भी बुलिश रहेगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंपनी या ये तीनों कंपनी बुलिश मूवमेंट दिखा रही है, और आप फिर बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर रहे हो, तो वो फिर ये सटीक स्ट्रेटजी नहीं होगा। आपको कंस्टिट्यूएंट्स का प्राइस मूवमेंट देखना है और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होपफुली मैं आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन दे पाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।